अस्सलाम वालेकुम। बस ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा, जिसमें सबाहत की शादी होने वाली है, तो सबाहत की वालदा इससे कहती है कि ईसा की फैमिली को भी ज़रूर बुलाना। तो वो भी ऑफिस जाकर ईसा को बता देती है कि शादी में अम्मी आप लोगों को ख़ास तौर पर बुला रही हैं। कार्ड मैं अरीशा के नंबर पर भेज दूँगी। ईसा जो दिल ही दिल में सबाहत को पसंद तो बहुत करता है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। वही हाल सबाहत का भी है। मोहब्बत तो करती है ईसा से, लेकिन कहती नहीं है। इसलिए ईसा भी आज जल्दी ऑफिस से आ गया और जब घर आकर अपनी वालदा को बताया कि सबाहत की शादी हो रही है, तो वो बहुत खुश होती हैं कि शुक्र है मेरी परेशानी तो ख़त्म हुई, अब मैं आराम से ईसा के लिए लड़की तलाश करूँगी। लेकिन अरीशा जो चाहती है कि सबाहत की शादी उसके भाई ईसा से हो, क्योंकि इसे पता है कि ईसा सबाहत से मोहब्बत करता है, तो वो अपने भाई से यही पूछती है कि क्या आप सबाहत आपकी शादी से खुश हैं। तो ईसा जो सबाहत की शादी से खुश तो नहीं है, वो तो शायद यही कहेगा कि मेरे खुश होने ना होने से क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो शायद अरीशा ही सोचे कि अब इसे ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि मंगनी तो टूट भी सकती है। तो वो अपनी वालदा से बात करती है कि ईसा भाई ने अगर आपको हक दिया है लड़की तलाश करने का, तो आप इनके मेयार की लड़की तलाश करें, बिल्कुल सबाहत आप ही की जैसी। यह सुनकर तो अरीशा की वालदा का मुँह खुले का खुला ही रह जाएगा। अब अरीशा के मामू भी इस घर में आ गए हैं, वो तो अपनी बहन के सामने ईसा के सौतेले बेटे होने का जिक्र करेंगे, तो इस बात पर इनकी बहन को काफ़ी गुस्सा आएगा, क्योंकि हकीकत वो किसी को नहीं बताना चाहती। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि सबाहत और ईसा के रिश्ते के लिए ईसा की वालदा राज़ी हो जाएंगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।